नमस्कार। आज मैं आपको विशेष जानकारी जो हमारे सामने पौधा है इस पौधे के बारे में देना जा रहा हूँ। और ये वो पौधा है जो आयुर्वेद में गिने चुने जड़ी बूटियों में आता है और इसका प्रयोग भी भारत के हर एक किचन और हर वो जगह पे किया जाता है भारत में जहाँ पर खान पान बन रही हो। और ये और कोई नहीं, ये हल्दी का पौधा है। इसको ध्यान से देखिए। और हल्दी का जो पौधा है ये आप जैसे शहर में रहने वाले कुछ लोग हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इसको हल्दी नहीं लगा सकते, इसको गमलों में भी लगाया जा सकता है। एक या दो आंखें बिल्कुल आलू की तरह इनकी आंखें लगती हैं। तो जैसे कच्ची हल्दी आपको बाज़ार से मिलता हो, बाज़ार से आप कच्ची हल्दी ले आएँ और जितनी छोटी छोटी उसकी आँखें हैं उतने सारे पौधे इसमें लग सकते हैं। और एक हल्दी से अनुमानता यह है कि 150 से 250 ग्राम तक हल्दी आपको मिल सकती है अगर आपने अच्छी तरह से खाद वगैरह का, जैविक खाद का प्रयोग किया। रासायनिक नहीं बोल रहा हूँ, जैविक खाद का प्रयोग किया। चलिए यही समझते हैं कि हल्दी का हमारे जीवन में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। हल्दी क्या है कि वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि आपके शरीर में वो तत्व तो जो आपको नुकसान पहुँचा रहे हों, जैसे बहुत सारे फंगल वायरस होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है, ये उसको क्या होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के उसको बर्न करता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि हल्दी जो है वो लाइलाज बीमारी, कैंसर तक की बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण सर्दी खांसी जुकाम बुखार नहीं होती है। बट हल्दी को जब हम लोग पका करके खाते हैं तो इसके बहुत सारे गुणधर्म उड़ जाते हैं। तो आप कच्ची हल्दी को लें और सुखा करके पीस करके रखें और इसको नित्य 150 से 2 ग्राम आप गुनगुने पानी के साथ इसका प्रयोग करें। दूध के साथ आप इसका बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। रात को सोते समय जो दूध पीते हैं, गाय के दूध पीते हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा प्रयोग पड़ सकता है। और ख़ास करके छोटे बच्चों में इसकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आज के समय में मौसम चेंज होता है और चेंज होते ही हमारे बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। आप इस हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी माताओं बहनों से निवेदन है कि इस पौधे को देख लीजिए। ये बहुत लंबी पौधे नहीं होते हैं, 1 से 1.5 फीट का ये पौधा होता है और उसमें गमले में लग सकती है। देखने में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लग रही है। तो आज का हमारा जो इन्फॉर्मेशन था आपके लिए बहुत वैल्यूशन ऐड किया होगा। और हमारी माता बहनाओं जो हमारे किचन की जो शोभा है हल्दी उसका प्रयोग करती हैं, तो अब आज से आप लोग कच्ची हल्दी का भी प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों पर एक साथ काम करता है।